गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़का हुआ भाषण देकर सुर्खियों में आने वाली काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि रामनवमी पर काजल हिंदुस्तानी ने नफरत भरी बातें कही थीं, जिसकी वजह से 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। मामले में पुलिस ने काजल के खिलाफ केस दर्ज किया था, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जानकारी के मुताबिक काजल हिंदुस्तानी ने रविवार की सुबह ऊना में पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। काजल हिंदुस्तानी अपने ट्विटर बायो में खुद को एक उद्यमी, रिसर्चर, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी महिला बताती हैं। सोशल मीडिया पर काजल के 92,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेती रही हैं। कथित तौर पर 30 मार्च को रामनवमी पर BHP के द्वारा आयोजित एक सभा में काजल हिंदुस्तानी ने भड़काऊ भाषण दिया था। इसके 2 दिन बाद 2 अप्रैल को पुलिस ने काजल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295(a) के तहत केस दर्ज किया था। आरोप है कि काजल के भाषण के बाद ऊना में दंगे भड़क गए थे। इस मामले में पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और हिंसा फैलाने के आरोप में 80 से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया था।